हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। तो फाइनली एसएससी सीजीएल की वैकेंसीज आ गई 2023 की, और बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी चाहिए कि सर, जो इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं वो किस जोन में भरी है। इस पर मैं बात करूंगा, और इम्पोर्टेंट क्यों है और क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो वैकेंसीज डिक्लेयर हुई, और क्या अब भी वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। काफ़ी टाइम से ये अपडेट दी थी और मैंने सोचा ये एक वीडियो और क्रिएट करते हैं, क्योंकि आज आई है वैकेंसीज की अपडेट, तो शायद आपको पढ़ने में ज़्यादा मोटिवेशन फील होगा। और आई होप कि ये लास्ट वीडियो है, इसमें मैं क्लियर कर दूं आपको कुछ चीज़ें। स्टडी रिलेटेड कंटेंट ही जो है वो आपको इस टाइम पर देखना चाहिए, ठीक है। तो एक एक चीज़ें हम देखते हैं, तो लेट्स डिस्कस थिंग्स वन बाय वन। और माई नेम इज़ हेमंत, मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ लेना। तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, जो ये वैकेंसीज आपकी आई है, डिफरेंस क्या है लास्ट ईयर जो कि बहुत ज़्यादा थी 37,000, और इस साल जो कि अपनी है सिर्फ 8,500 अप्रोक्स। तो ये चीज़ काफ़ी टाइम पहले मैंने बता दिया था कि वैकेंसीज लगभग इतनी है और 10K तक जाएंगी, ठीक है। तो अभी ये एक डेमो मिला है और मैं चीज़ें क्लियर करूंगा अभी इसी वीडियो में। देखिए, यहाँ पर 2400 ग्रेड पे यानी पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसीज जो है वो 20,000 थी, जिसकी वजह से वैकेंसी ज़्यादा हो गई थी। इस बार 2400 ग्रेड पेपर, टैक्स असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट यूडीसी, इसकी वैकेंसीज कम है, ठीक है। इसमें जो सैलरी बनती है आपकी, जो आप देखोगे एक्स सिटी के अंदर यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इस टाइप में मेट्रो सिटीज में 48,000, ये सैलरी ग्रॉस सैलरी है जनवरी वाली, ठीक है। उसके बाद जुलाई में फिर इंक्रीमेंट लग गया होगा और बढ़ जाती है, जो डियरनेस अलाउंस है आपका डीए वो रिवाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये सैलरी 50,000 लगभग पहुंच गई होगी। 2800 ग्रेड पे की बात करूं तो मैं लगभग, आप देखोगे 4191 सीट थी, इस बार ये भी कम है। पिछली बार कैग में ऑडिटर की ज़्यादा थी, इस बार कम है, जिसकी वजह से ये वैकेंसीज कम है। 54,000 ग्रॉस सैलरी होती है। 4200 ग्रेड पे यानी डिविजनल अकाउंटेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और कुछ असिस्टेंट मंत्रालय में, इनकी वैकेंसी लास्ट ईयर 1250 थी, इस बार एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ज़्यादा है, जिसका हमने पहले बताया था कि 570 वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। ये एग्जैक्ट वही डाटा है जो हमने 212 पिछले साल का ऐड किया था। तो काफ़ी बच्चों को डाउट लग रहा था कि कुछ चैनल्स पर ऐसा नहीं बताया जा रहा है, तो अब ऑफिशियली आ गई है। तो नाउ यू कैन सी 64,000 लगभग इन ग्रॉस सैलरी इनकी रहती है। 46 ग्रेड पे जो 4600 है यानी इंस्पेक्टर जिसमें ज़्यादातर होते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, चाहे वो आपका जीएसटी इंस्पेक्टर हो, चाहे प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम इंस्पेक्टर, या फिर आपकी मंत्रालय में एएसओ, इसकी सीट लगभग 4,000 थी पिछली बार और इस बार ज़्यादा है उससे। तो लास्ट ईयर और इस बार में डिफरेंस है। असली टारगेट जो रहता है बच्चों का, ये वाली पोस्ट रहती है। तो ये वैकेंसीज आपकी हैं, इन्हीं की कट ऑफ देखी जाती है। लास्ट ईयर भी यही मेन चार्म पे रहा था, ठीक है। 80,000 लगभग, 81,000 सैलरी थी, अब 83,000 समथिंग हो गई है, 83,500 कुछ ग्रॉस सैलरी लगभग, इससे भी ज़्यादा है, ठीक है, 83,500। डबल ए ओ की ज़्यादा थी, इस बार डबल ए ओ की काफ़ी कम है, ये सैलरी है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की बात करूं जो वैकेंसीज आपकी होनी चाहिए थी और नहीं है वो, ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए, डबल ओ की वैकेंसीज आनी कम थी क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा आ गए थे। 3-4 साल में डबल ओ एक बार भर्ती है, 2016 में आई थी सबसे ज़्यादा 1,000, उसके बाद 2018 में भी ठीक ठाक थी, उसके बाद अब 22 में थी, तो अब हो सकता है 24-25 में आपको देखने को मिल जाए जब प्रमोशंस हो। CSS में वैकेंसी 692 है, अगले साल CSS में भी ज़्यादा रहेंगी क्योंकि ये वैकेंसी 900 के करीब होने वाली थी, 982, जिसमें से खींच ली गई 300 वैकेंसीज कम, तो ये अगली बार वाली में ऐड होंगी। बाकी सब में कम कम वैकेंसी, MEA में भी अच्छी खासी 91 वैकेंसी है जो कि कम नहीं होती है, ठीक है। इन सब में कलर ब्लाइंड एलिजिबल है एक्सेप्ट IB, यानी कलर ब्लाइंड यानी कि आप आई शेरा टेस्ट होता है एक, वो करके देख लेना बिफोर फिलिंग द पोस्ट, क्योंकि अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो ये पोस्ट जिसमें नो है वो मत भरना, ठीक है। CPT डेस्क, ये क्या होता है, आपके कंप्यूटर के मार्क्स देखे जाते हैं, ठीक है। CPT यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर में आपके जो मार्क्स आएंगे हायर स्टैंडर्ड पर, अगर जिसके अंदर लिखा है CPT यानी कि जैसे आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर DOPT, फिर MEA मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, CPT की कट ऑफ हाई रहेगी। इसमें टाइपिंग की कट ऑफ यानी डेस्क की भी हाई रहेगी, यानी आपको दोनों कट ऑफ। और अब एक चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, कंप्यूटर पिछली बार 27 नंबर कट ऑफ गई थी जो हमने बताई थी, वो इसलिए गई थी क्योंकि पिछली बार
पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी ज्यादा थी, बच्चे ज्यादा क्वालिफाई करे, जिसकी वजह से जिसमें सीपीटी रिक्वायर्ड था, इस बार वो वैकेंसी नहीं है अभी तक, तो इसलिए कंप्यूटर की कट ऑफ एटलीस्ट 36 प्लस जाएगी। इसलिए अच्छे से कंप्यूटर को तैयार कर लो, लगभग एक महीना अभी भी है आपके पास, एक महीने से भी ज्यादा, एक महीने 20 दिन से ज्यादा है आपके, लगभग 2 महीने हैं अभी, तो 2 मंथ में कंप्यूटर को बिल्कुल हल्के में ना लो। सारे कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट चीज मैं टेलीग्राम SSC कोर 1 2 3 पर डाल दूंगा, लिंक टेलीग्राम का कमेंट में पिन रहेगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन करो, वहां पर कोशिश करेंगे पूरी PDF आपको प्रोवाइड कर दे कंप्यूटर की, ठीक है। जहां से भी जितने सोर्स मिले सारे कंप्यूटर के कर डालो, 36 प्लस रहेगी कट ऑफ। मैं फिर से बता रहा हूँ, कंप्यूटर पे बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है इस बार बच्चों को, ठीक है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कंप्यूटर आपका जो है सब में रहेगा, आपका GST में भी, कस्टम में भी, जिनकी पोस्ट ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूँ GST इंस्पेक्टर की, अगर यहाँ पर आप पोस्ट देखोगे 2400 के लगभग हैं, यानी इस बार आप कस्टम GST इंस्पेक्टर बनोगे ही बनोगे, और हमारे साथ आपको काम करने का मौका भी मिलेगा, जो दिल्ली में आएंगे 49 लोग, और भी ऐसे होंगे जो अलग अलग जोन में जाएंगे, उनके लिए मैं पूरी हेल्प करूंगा, सारी चीजें जितनी मेरे को पता है शेयर करता जाऊंगा डिटेल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो 2389 है इनमें CPT रिक्वायर्ड है और कलर ब्लेंड सूटेबल नहीं है। CPT वही है जिसमें कंप्यूटर के हायर नंबर चाहिए, 36 प्लस एटलीस्ट ट्राई करना आउट ऑफ 60, तो आपके लिए बहुत टफ होने वाला है इस बार, मोर देन 60-70% आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे कंप्यूटर में, ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में नहीं है रिक्वायरमेंट, बट इसमें है। 276 प्रिवेंटिव ऑफिसर में, इसमें भी रिक्वायरमेंट है, 80 एग्जामिनर में, तो वैकेंसीज अभी ठीक है। जो तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश में, ये वाली बुक ले सकते हैं, नियॉन क्लासेस की, इसका PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। पिछली बार का बच्चे बोल रहे थे सर स्टैटिक वाला डाल दो, बायो का डाल दो, जनरल साइंस का, तो माय डियर स्टूडेंट्स वो ऑलरेडी डली हुई है। अगर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन उसमें जाओगे मीडिया में, तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट में जाना, वहां आपको PDF ऑलरेडी मिल जाएगी। दोबारा अपलोड नहीं कर रहा हूँ, एक बार मैं फिर से पिन कर दूंगा इन्हें, ठीक है, तो वहां से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो। जंबल वर्ड की है, जंबल वर्ड में इंग्लिश में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं ये बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। इसमें जितने भी पेपर हुए हैं 22 तक के, 2022 तक के, सारे लेटेस्ट सॉल्व करके दिखाए हुए हैं, ठीक है, 21, 20, 19, 18 सारे ये क्वेश्चन तो कर जाना, पैरा जंबल वाले, जंबल वर्ड में आपको हेल्प हो जाएगी, किस टेक्निक से आपको सॉल्व करने है, क्या दिमाग लगाना है कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। इन्होंने इसमें कुछ बता रखा है, जैसे गोल्डन रूल्स है, क्या क्या करते हैं, आपको पैरेलल कंस्ट्रक्शंस देखनी होती है, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड देखना होता है, यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया है, तो इसकी PDF से आप फ्री में पढ़ जाना, फ्री में PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा, SSC Core 1 2 3, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आए, इन्होंने बताया है कि कैसे इनको आपको करना है, कैसे पता लगाना है कि कौन सा किसके बाद आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। लिंक जिनको हार्ड कॉपी में खरीदना खरीद लेना, मैंने भी ये खरीदी थी, मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, तो जैसे 168 है, इसमें आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कलर ब्लेंड भी सूटेबल है और ये भी नहीं है, ठीक है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, GST के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, इनकी प्रोफाइल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो हमारी वीडियो आप प्रीवियस देख लेना। सब इंस्पेक्टर CBI में इस बार वैकेंसी आई है अच्छी खासी, 127, इसकी प्रोफाइल में शेयर करूंगा डिटेल में, एक एक चीज बताऊंगा इससे रिलेटेड, प्रमोशन, वर्क एस्पेक्ट, सब कुछ। तो ये वीडियो आएगी जल्दी, CBI के बारे में सब कुछ बता दूंगा, ठीक है, जितने मेरे कॉन्टैक्ट है और जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस ग्राउंड पर, ठीक है। और ये पासपोर्ट ऑफिस में इस बार काफ़ी कमाई है, इसमें होम टाउन दिया था काफ़ी बच्चों को, उसके बाद देखोगे आप वैकेंसी नहीं है, मेन वैकेंसी जो थी वो यही थी। इसके बाद 570 आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में, ये भी बहुत बढ़िया हो चुका है, 2.5 साल में, 2.5 ईयर में आप इससे इंस्पेक्टर बन जाओगे। जिनको ये वैकेंसी देखनी है कि कौन सी जोन की कहाँ पर है, हम ऑलरेडी कई वीडियो बना चुके हैं, वहाँ पर देख लेना, वरना मैं वीडियो जो है वो टेलीग्राम पर डाल दूंगा जिसमें डिस्कस कर रखा है मैंने, ठीक है, स्टेट वाइज का। अब मैं बात करूं अगर जो ज़्यादा वैकेंसीज है, 1102 अकाउंटेंट CGA, इसका मैंने बता दिया था कि प्रमोशंस हो चुके हैं तो वैकेंसी बढ़ गई है, तो पहले जो थी उसमें लगभग मैंने बताया था 650 ऐड हो गई, 450 में ये 1100 हो चुकी है, जो बताया था वो यही निकला जो आपको कुछ दिन पहले समझा दिया था, ठीक है। GST में TA की जो है वैकेंसी बढ़ गई क्योंकि इनमें प्रमोशंस हो गए थे, अब अगर आप GST में TA रहते हो तो 7.5 साल में आप एग्जाम देकर डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर बन सकते हो। इनकम टैक्स में 587 है क्योंकि इसमें सीट्स खाली पड़ी है, लगभग 4000 सीट्स खाली है, पर उनको अभी भरा जाएगा, ये CGL 24 में देखने की बात यह है, क्योंकि पूरा प्रोसेस फास्ट ट्रैक पर हो रहा है, तो हो सकता है CGL 24 में जाए इनकम टैक्स TA वाली वैकेंसी, जिसकी नोटिफिकेशन दिसंबर में आने के चांसेस है, मैं बता दूंगा उसको आपको, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, देखिए जिस जोन की हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी थी वो ये है, यहाँ पर हमने बताया था लगभग 200 वैकेंसी बढ़ चुकी थी,
1800 वैकेंसी हो गई थी। अब क्वेश्चन ये है कि 500 वैकेंसीज और कहाँ बढ़ी है, क्योंकि मुंबई ऑलरेडी फुल है 550 वैकेंसीज के साथ, वडोदरा फुल है, मेजर जोन यही थे, ठीक है। दिल्ली में अभी इतनी ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई है 700-800 इंस्पेक्टर की, तो दिल्ली में आने के चांस कम है, तो बाकी कहाँ है? तो हो सकता है भोपाल जोन में हो सकता है बेंगलोर में हो सकता है कि चेन्नई में हो, बढ़ा दे और ज्यादा, हो सकता है जयपुर में हो। तो इसकी आरटीआई सारी लगा दी गई है जितने भी जोन्स हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे जैसे आएंगी मैं आपको शेयर कर दूंगा या टेलीग्राम पर अपडेट डाल दूंगा अगर मैं बिजी हुआ तो, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, कमेंट योर क्वेरीज। आज सारी आरटीआई लग चुकी है, लगभग 18 जोन्स में जा चुकी है, जैसे ही आएगा आपके साथ शेयर कर देंगे टेलीग्राम पर भी। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो।